सांसद स्टार खेल महाकुंभ के चलते हमीरपुर में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। फुटबॉल प्रतियोगिता में हमीरपुर जिला से 36 टीमें भाग ले रही हैं। फुटबॉल की इस प्रतियोगिता को लेकर जहां बड़े खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं जूनियर और सब जूनियर टीमें भी अपना दमखम दिखाने के लिए टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने सांसद स्टार खेल महाकुंभ को शुरू किया है ताकि ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को बाहर लाया जा सके और वे खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमा सके। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी जिलों में इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। गौर रहे कि जून माह में प्रदेश के खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हमीरपुर से इस सांसद स्टार खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया था। इस महाकुंभ में 5 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से वॉलीबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल की प्रतियोगिताओं का पहले ही आयोजन किया जा चुका है, जबकि फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज हुआ और क्रिकेट की प्रतियोगिताएं दिसंबर माह में करवाई जाएंगी। सांसद स्टार खेल महाकुंभ के आयोजक अजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 खेलों का आयोजन पहले हो चुका है, जबकि फुटबॉल का आयोजन आज से शुरू हुआ है और क्रिकेट की प्रतियोगिताएं दिसंबर माह में करवाई जाएंगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फुटबॉल की 36 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि क्रिकेट में 47 टीमें हिस्सा लेंगी। सांसद स्टार खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था सांसद अनुराग ठाकुर जी द्वारा, जिसमें 5 खेलों का आयोजन किया गया था। 3 खेलों का आयोजन जो है वो हम समाप्त कर चुके हैं। फुटबॉल और क्रिकेट बचे हुए थे, जो आज फुटबॉल का आयोजन का शुभारंभ किया गया है। क्रिकेट का दिसंबर के फर्स्ट वीक में आरंभ करवाने की तैयारी की जा रही है। कितनी टीम्स हैं फुटबॉल की और क्या कहना चाहते हैं बाकी? फुटबॉल की लगभग हमीरपुर ब्लॉक में 36 टीमों ने भाग लिया है और जो क्रिकेट का है उसमें 47 टीमें हमीरपुर ब्लॉक की ब्लॉक ने 47 टीमों ने भाग लिया है हमीरपुर ब्लॉक में। सब जूनियर कैटेगरी के सूर्यांश ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए दिन रात मेहनत की है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में वह अव्वल रहेंगे। गौरतलब है कि छोटी उम्र के खिलाड़ियों में भी इस टूर्नामेंट को लेकर काफी क्रेज देखा गया है और छोटी उम्र के खिलाड़ी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। मैं ये जो संसद खेल महाकुंभ है, इसमें हमारी टीम दमीर फाल्कन्स फुटबॉल क्लब है, जो हम कड़ी मेहनत की है, जिसके कोच मिस्टर संदीप लाल भी और इंस्ट्रक्शन मलिक है। हम यहाँ अंडर 14 का स्क्वाड हमारा, और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए। हम चाहते हैं कि टूर्नामेंट जीते, तो हमारे यहाँ कम से कम 12 या 13 बच्चे आए हैं इस टूर्नामेंट के लिए। और ये संसद खेल महाकुंभ है, इसका ये फर्स्ट सीजन है फुटबॉल का, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये महाकुंभ जीत पाएं।